बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया तुमने। मेरी बच्चों के इंतजार को, मेरी बच्चों की मेहनत को सब बर्बाद कर दिया तुमने। इतने सालों की इकट्ठा की हुई शक्ति सब तुम्हें दे दी ताकि तुम हरी को मार सको। तुमने हरी को क्यों नहीं मारा रुद्र? क्यों नहीं दिलाया मुझे मोक्ष? क्योंकि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो कंगना, लेकिन अच्छाई के आगे वो कभी नहीं जीत सकता। अरे तुम कहती हो कि तुम हरी से प्यार करती हो, अगर तुम उनसे सच्चा प्यार करती ना कंगना, तो तुम उन्हें अपना मानती, उन्हें और उनके परिवार को कभी इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाती, ना जीते जी और ना ही मरने के बाद। न्याय और धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो ना तुम, तो क्या यही रघुवंशियों का न्याय? इतने सालों से मेरे काका को सजा क्यों नहीं मिली? मैं तुम्हारा कातिल नहीं हूं कंगना, और तुम्हारा कातिल नहीं हुआ, वो सिर्फ एक हादसा था, हादसा। खंजर भी तुम्हीं ने उठाया था मुझे मारने के लिए, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो कुछ याद आया करना। आज मुझे समझ आया, साम दाम दंड भेद इन सब के बावजूद मैं हरि को क्यों नहीं पा पाई, क्योंकि वो तो मेरा कभी था ही नहीं। आज मेरा ये भ्रम टूट गया। हरि, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूँ, फिर कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। कंगना किस गलतफहमी की बात कर रही थी? कंगना हमेशा से ही हरी को चाहती थी, पर जब छोटी बात ने इतनी जल्दी भी हरी की शादी करने से मना किया तो उसकी शादी भी मुझसे कर दी गई। पर कंगना सिर्फ हरी को चाहती थी, उसने मुझसे शादी की सिर्फ मुझे सिर्फ एक जरिया बनाने के लिए, ताकि वो हरी के पास आ सके। और एक दिन जैसे ही समय पता चला, कंगना हरी को लेकर पुरानी कोठी गई, काका और मैं रोकने के लिए वहां पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे दोनों के फेरे फेरे छू चुके। यही गलत फैमिली है मर गई कि उसका खून हुआ है। मैंने कहा था ना जीत तुम्हारी होगी, हरी बाबू ने मुझे सब कुछ बता दिया। भोलेनाथ जिंदगी के हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ बाबू, मुझे ये हिम्मत भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से और अपने प्यार से मिली है। पर मैं तो हमेशा से कहती हूँ, भगवान के घर देर है पर मच्छर नहीं। ओहो बड़ी बा, मच्छर नहीं अंधेर। हाँ पर जहाँ अंधेरा होता है वहाँ मच्छर तो होते ही है ना।